हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे, आप देखते हैं यूनिक वाले मेकर सेल्फ यूनिक। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती है, मींस उसके रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती है। आप बनना चाहते हो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, तो क्या क्या आपको आना चाहिए जिससे कि आप इजिली अपना स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी का ऑफिस खोल सकते हो। साथ ही साथ अगर कहीं जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या आपको आए कि आप इजिली स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के पास लग के अपनी प्रैक्टिस को कर सको, बाद में आप अपना खुद का भी दुकान खोल सको। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों एक आरसीसी कंसल्टेंट या कोई भी स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है, चाहे स्टील का हो चाहे आरसीसी का हो, सबसे पहले उसको आर्किटेक्चरल प्लान देखना होता है। क्या देखना पड़ता है? आर्किटेक्चरल प्लान, जो कि हमें मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ कोई भी आर्किटेक्ट ने प्लानिंग की हुई आपको मिल जाता है। उसके बाद हमें जियोटेक की तरफ से एक सॉइल स्ट्रेटा का रिपोर्ट मिलता है। इन दोनों को देखते हुए, क्यों सॉइल स्ट्रेटा नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितना नीचे जाना है सॉइल के, वहां पे वेरी कैपेसिटी क्या है, उसकी पूरी रिपोर्ट हमें पता चल जाती है। इन दोनों को देखते हुए हमें स्ट्रक्चर की डिजाइन करनी पड़ती है। अब स्ट्रक्चर की डिजाइन में किस किस चीज की डिजाइन करनी पड़ती है और हमें साइट पर क्या देना पड़ता है, तो हमें हर एक फ्रेम का डिजाइन करना पड़ता है, यानी बीम का, कॉलम का, फुटिंग का, स्लैब का, स्टेयरकेस का, सबका डिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद इसकी डिटेल ड्राइंग, डिजाइन करने के लिए आप एक्सेल यूज कर सकते हो, आप स्टैट प्रो यूज कर सकते हो। इसके बाद इस पूरे ड्राइंग को आप ले, जो आपका जो आपने डिजाइन किया उस डाटा को ले जाओ आरसीडीसी के अंदर, वहां से स्ट्रक्चरल डिटेल ड्राइंग्स मिल जाएंगी आपकी, किस किस चीज की, बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब और स्टेयरकेस की, सबकी। जब आपको ड्राइंग मिल गई, स्ट्रक्चरल ड्राइंग मिल गई, अब आप उसको सबमिट कर सकते हो उस ड्राइंग को। अब सबमिट करते टाइम क्या आप डायरेक्ट सबमिट कर दोगे? नहीं, क्योंकि सबमिट करने के बाद आपको देना पड़ता है एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब अगर आपने ऐसे ही एनओसी दे दिया, कुछ अगर साइट पर सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, तो फिर तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप होंगे, ठीक है। अब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर आपको पकड़ा जाएगा, फिर आपके साथ क्या होगा आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम टू टाइम जाके साइट का विजिट करते हैं। सबसे पहला एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का, एक्चुअली आप देखो अभी कई लोगों को पता नहीं होता कि उन्होंने ड्राइंग दे रखी है, उसके बाद उनका काम क्या होता है उनको पता नहीं रहता है। तो याद रखिएगा, उनका काम होना चाहिए कि सबसे पहले जाके वहां की सॉइल के स्टेटा को देख के आएंगे, जो भी डाटा मिला है मैच कर रहा है कि किसी और का स्टेटा मिल गया है बाद में आपको फंसा दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको साइट पर जाके सॉइल स्टेटा चेक करना चाहिए। कब? बिफोर फुटिंग की पीसीसी, जो पीसीसी होती है ना फुटिंग की, पीसीसी होने से पहले हमें चेक करना चाहिए, उसके बाद पीसीसी करवाना चाहिए, फिर आप बता दो करते रहेंगे। फिर टाइम आपको चेक करना चाहिए वहां की प्लिंथ बीम सही तरीके से वहां पर डाल रहे हैं कि नहीं, उसके लिए फोमोस सही से यूज कर रहे हैं कि नहीं, वो सब कुछ आपको प्रॉपर चेक करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको चेक करना चाहिए उन्होंने रिटेनिंग वॉल सही तरीके से यूज, रिटेनिंग वॉल मटेरियल पढ़ने से पहले उन्होंने रेनफोर्समेंट सही से डाला है कि नहीं, आपको वो भी देखना चाहिए। जितना परसेंटेज ऑफ स्टील आप बोले हैं उतना यूज कर रहे हैं कि नहीं, वो देखना चाहिए। आपने जो M20 पे डिजाइन किया है, M25 पे डिजाइन किया है, क्या वही मटेरियल यूज कर रहे हैं? कभी कभी उधर लोग दिमाग लगा देते हैं, इसमें आप फंस सकते हो। इसलिए एज अ स्ट्रक्चर कंसल्टेंट आपको जाके चेक करना चाहिए कि हमने जिस ग्रेड पर बोला है उसी ग्रेड पर डिजाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपका काम खत्म नहीं होता है, इसके साथ आप जब बीम और कॉलम जब पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आपको टाइम टू टाइम जाके चेक करना चाहिए जो आपने रेनफोर्समेंट बोला है वही हो रहा है क्या, क्योंकि आपने एनओसी देना है, तो एनओसी आप जब दे रहे हो तो डेफिनेटली वहां पर सब कुछ सही होगा, तभी आप एनओसी दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों जब ये सब कुछ हो जाए, कभी कभी क्रिटिकल ड्राइंग भी देनी पड़ती है कि स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को। क्रिटिकल ड्राइंग मतलब लिफ्ट के लिए जो आप डिजाइन करते हो, मशीन के लिए जो मशीन फाउंडेशन होती है, लिफ्ट के लिए जो फाउंडेशन तैयार करते हो उसकी भी ड्राइंग कभी कभी देनी पड़ती है आपको। कभी कभी ओवर हैंड वाटर टैंक, ठीक है, OHWT ओवर हैंड वाटर टैंक और UG80 मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इन दोनों का आपको डिजाइन देना पड़ता है। कभी कभी आपको उसके साथ स्विमिंग पूल का भी डिजाइन देना पड़ता है कि स्विमिंग पूल अगर है तो उसका भी। ये सब क्रिटिकल डिजाइन है, ये हर जगह नहीं होगा, कई जगहों पे, ठीक है। उसके साथ आपको कई बार ऐसा होता है कि अगर आप स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है तो सामने वाले को आपको स्टील का परसेंटेज पूरा प्लस कहां पर कितना लग रहा है, यानी BBS यानी बार बेंडिंग शेड्यूल का भी ड्राइंग आपको देना पड़ता है। ये तो कंपलसरी अभी, क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल आपका इजिली आरसीडीसी से आ जाता है तो आप डायरेक्ट दे देते हो अपने ड्राइंग के साथ, तो ये भी दोस्तों आपको देना पड़ता है। और इनको भी जाके क्रॉस चेक करना पड़ता है, क्या सब कुछ सही से हमने जैसा डिजाइन करके दिया है क्या वैसा ही लोग डिजाइन कर रहे हैं या फिर कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको जो लास्ट में देना पड़ता है वो बहुत खतरनाक होता है, वो होता है स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट। एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिसमें उसको अपना ऑथराइज अपना साइन करना पड़ता है, साथ ही साथ उनके कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी होता है आपके। तो अब अगर आप स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हो और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी या जो भी क्लाइंट है या फिर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट को जो भी आप दे रहे हो तो वो आपको पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दे रखा है। ठीक है, ये वही दे सकता है जिसका स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी का ऑफिस मतलब उनका जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है। इसके साथ दोस्तों अगर कभी कभी क्या होता है कि हमने स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर दे दिया, अब हमने दिया था एक्सपेंशन ज्वाइन छोड़ने को, उन्होंने नहीं दिया हुआ है तो हमें टाइम टू टाइम जाके स्ट्रक्चर को देखना चाहिए कि वहाँ पर एक्सपेंशन ज्वाइन छोड़ा है कि नहीं, उन्होंने जैसा मैंने बोला था वैसा उन्होंने स्ट्रक्चर को किया है कि नहीं किया है। क्यों? स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत खतरनाक होता है, अगर आपने दे दिया उन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो प्रॉब्लम आपके ऊपर आती है। अब दोस्तों इन सब के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें जिससे कि हम इजिली पा सकें ये इस तरीके की जॉब, मतलब स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बन सके। तो इसके लिए जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए ऑटोकैड, स्टेट प्रो और आरसीडीसी। ये तीन चीजें पढ़ लिया अगर आपने तो आप स्ट्रक्चर कंसल्टेंट आराम से बन सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें कैरियर इतना ज्यादा है कि अगर आपने 6 महीने से 1 साल किसी भी कंसल्टेंट के पास काम कर लिया, डेफिनेटली मैं इतना तो पढ़ा देता हूँ कि आप जाओगे तो वहां पर काम तो कर ही लोगे। अगर आपने उतना पढ़ लिया उसके बाद आप इजली जाके वहां पर सिलेक्शन ले सकते हो और 6 महीने और 1 साल काम करो, आप खुद का ऑफिस खोल सकते हो एज अ स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। इस जॉब की सबसे अच्छी चीज क्या है कि व्हाइट कॉलर जॉब है, आपको घर में बैठना है, आपको प्लानिंग आएगी, सिर्फ उसको देखना है, ग्रेड बनानी है, स्टेट प्रो पे इंपोर्ट करना है, एनालिसिस करनी है, उसके बाद डिटेल ड्राइंग आरसीडीसी निकाल देना है, बीबीएस दे देना है और ड्राइंग निकाल के सबमिट कर देना है। बस इतना सा जॉब है ये। बट इस जॉब में हमको जो अर्निंग होती है अगर अपनी कंपनी है तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूँ कि इजिली आप 2 से 3 लाख रुपये अगर सही से अगर कॉन्टेक्ट हैं आपके मंथली अर्निंग ले सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका 5 रुपीज से 10 रुपीज स्क्वायर फीट पे काम चलता है, 5 रुपीज 6 रुपीज 7 रुपीज 8 रुपीज, जैसे जैसे जो जो अपने जिनका जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बनता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइसिंग फिक्स करता है। अब इसमें टाइम कितना लगता है? टाइम कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। प्लस अगर आप मान लो कल आपका मूड नहीं है कि हमको आरसीसी कंसल्टेंट बनना है या कृषि कंसल्टेंट बनना है तो आप इजिली जॉब कर सकते हो, क्योंकि जॉब में भी आराम से 35 से 40 हज़ार रुपये 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको मिलने लगता है एज अ स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास ही तो स्किल है ना कि आप स्टील के परसेंटेज को कम कर सकें। देखो एक आरसीसी कंसल्टेंट क्या होता है, पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बहुत ही आसानी से कम कर सकता है अगर उसने सही तरीके का चुनाव कर लिया बीम और कॉलम का। बीम और कॉलम सही तरीके से चूज कर लिया है आपने तो क्या होगा, एनफोर्समेंट कम लगेगा, और उसके साथ अगर आपने फुटिंग सही चूज कर ली सॉइल स्ट्रेटा के अकॉर्डिंग तो आपको वहां से भी आपके पैसे बच रहे। तो एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है कॉस्ट को कम करने की। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग बीबीएस भी आपका निकलेगा, फिर रिपोर्ट भी आप निकाल के दे सकते हो। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और आगे बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को जब ड्राइंग देता है तो उसमें और क्या क्या चीजें उसको देनी चाहिए। और आपको कोई क्वेश्चन है कि सर मुझे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बनना है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट करो, कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को ऐड कर लूंगा। जैसे इस वीडियो में मैंने ऐड कर लिया कि बनना कैसे है, कई लोगों ने मुझे बोला था कि स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बनना है बट कैसे है, तो ये मैंने बता दिया। बहुत ही इजीली है, मार्केटिंग कैसे करनी है इस चीज, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर कंसल्टेंट हूं तो उसके भी तरीके हैं। तो आप नीचे कमेंट करोगे, आपको जो चाहिए बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कल 7:30 पे। बहुत दिन से मैंने कोशिश कर रहा था कि जल्दी से मैं आपके साथ आऊं बट यार ऑफिस उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस पूरा फुल पैक रहता है तो इसकी वजह से गाइस आ नहीं पाता। यहाँ तक जो भी आए हैं वो मेरे बहुत खास हैं, तभी आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग केवल स्टार्टिंग में देख के चले जाते हैं और इसे ना कभी कभी डीमोटिवेट भी इंसान हो जाता है। इतना मेहनत से कंटेंट तैयार किया जाता है, उसकी एडिटिंग में अपना टाइम निकाला जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत उनको अप्रिशिएट करना बनता है। चलिए आप लोग लाइक करती है, जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। जय हिंद जय भारत। और साथ ही साथ अगर आपने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट हो ठीक है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम टाइम पे काम आता रहता है, मैं मैक्सिमम काम मैं कैसे कर सकता हूँ, तो अगर मेरे पास कोई भी काम आता है तो मैं आपको अभी शेयर कर सकता हूँ कि भाई ये काम आप देख लो। इसमें मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था बट वही कि मैं कब करूँ, मेरा भी काम पैक रहता है तो अगर मिलता है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ कि आप कर लो। अगर आपने पहले प्रोजेक्ट किया है तो आप व्हाट्सएप कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन जय हिंद जय भारत।